सत श्री अकाल जी, असं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट लुधियाना तो बोल रहे हैं। फायर ब्रिगेड साडा मेनली कॉलेज है फायर सेफ्टी का। सानू ग्रैंड शॉपिंग एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया फायर सेफ्टी की अवेयरनैस लिए। अजक असं देख रहे फायर सेफ्टी की पंजाब में बहुत घट अवेयरनैस है। अजक जिमें फायर लगातार वही जा रही है, परसों ही अजय एस के बाइक्स के बहुत वो फायर हुई है। वो मेन कारण यह पाए गए उन्होंने बिल्डिंग प्रोटैक्शन डिटैक्शन सिस्टम लगाया से, मतलब अपना जिम्मे एक्सटीक्यूजर हो गए तो अलार्म सिस्टम, एक्सटीक्यूजर अलार्म सिस्टम उन्होंने नहीं लगाया पे, जिस कारण उन्होंने काफ़ी माल का नुकसान होया। होर भी बहुत सारी होजरी लाइनस ने वो इस रूल में फॉलो नहीं कर रही, जिस कारण जान माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अजय पिछे जी दिल्ली के पीरगढ़ के फायर हुई है, साड़ी सब तो वड्डी बैटरी की फैक्ट्री के, उत्थे भी साडा एक फायरमैन शहीद होया ने। उत्थे की कर रहे हैं गवर्नमेंट उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे रही उस फायरमैन को। मैंने ये नहीं समझ आता भी गवर्नमेंट उन्होंने यह क्यों नहीं पूछ रही भी यह फायर हुई क्यों, जोड़ा 1 करोड़ वो उस इंपलॉय दे रही है, 50 लाख रुपए ला के इनवैसटीगेशन क्यों नहीं कर रही इस चीज़ पर भी फायर का हादसा होया क्यों, साडा जो फायरमैन शहीद किस कारण होया, साडा फायरमैन शहीद होता इंतजाम उन्होंने जोड़ी प्रोटैक्शन क्यों नहीं दी गई, उन्होंने प्रमैक्सीमिटी सीट क्यों नहीं दिता गया, उन्होंने फुल बॉडी हारनैस क्यों नहीं दी गई। उम्मीद साडा पंजाब है, पंजाब में जी बिल्कुल ही फायर सेफ्टी के प्रति अवेयरनैस नहीं है। मैं जिन्नी भी उरे होजरी लाइन इंडस्ट्री सारे भी जाके आ रहे हैं बार बार भी तुम अपना फायर सेफ्टी सिस्टम लगाओ, पर उरे दे इंडस्ट्री लाइन ने इन्होंने फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने इक्यूपमेंट रखे हुए हैं 5-5, 10-10 साल पुराने, असं उन्होंने कहना भी इन्होंने बदलो, कहते सानू इन चीज़ों की लोड़ नहीं है, असं उन्होंने वो अपना फैशनेबल तौर पर हर चीज़ में रखते हैं। इस करके यही अवेयरनैस में देखते सामने पंजाब फायर ब्रिगेड का असं कॉलेज खोलिया, जिथे असं स्टूडेंट को फायर ब्रिगेड के कोर्सिज कराने, फायरमैन, फायर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, तो इस अलावा अदर असं फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग दिने लैवल 1, लैवल 2, लैवल 3, लैवल 4 तक, ताकि जिमें वर्कर है इंडस्ट्री में अपने फायर सेफ्टी के इक्यूपमेंट रखे पे ने, पर उन्होंने वर्कर को चलाना नहीं आता। असं इक्यूपमेंट तो उत्ते रखते पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन वास्ते चलाना भी आना चाहिए ना, भी इन्होंने इस तरीके चलाना है, पर उस तरीके नहीं चला पाते, जिस कारण उन्होंने जान माल का नुकसान हो जाता है। हुण साडी अग है वह कितें भी लै सकती है, मॉल, होल, होस्पिटल के, इस करके जिनी भी पब्लिक है इंडिया की, पंजाब की नहीं मैं कहता जिन्ना भी वर्ल्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग करवानी चाहिए है, तो गवर्नमेंट ने इस पास वाल खास ध्यान देना चाहिए है। अजक पंजाब लगातार फायर हो रही है, परसों ही मंडी गोबिंदगढ़ फायर हुई 4 टैंकर के, इस करके मैं तो यही बेनती करना चाहता भी जी फायर है साड़ी उस वाल ध्यान दिता जाए, अवेयरनैस वाल, तो फायर सेफ्टी के इक्यूपमेंट यही कहते भी खाली इंडस्ट्री के ही, लोगों के घर भी फायर सेफ्टी के इक्यूपमेंट रखवाने चाहिए ने। जिमें साडी सब तो वड्डी मेन जिहड़े घर है उत्थे ज़्यादातर ब्लास्ट होंगे ने अपनी LPG गैस कारण, क्यों उत्थे दी फायर उन्होंने स्टॉप कर नहीं आती, इसलिए स्पैशल एक फायर ब्लैंकेट होंगे। खोलो संतोख सिंह नूं, ये साडा की करदा जी LPG दी साडी फायर होंदी है, ये साडा फायर ब्लैंकेट है, जे LPG साडी फायर हो रही है तो सानू की करना अपने हाथ बैकसाइड पर रख के एक्सटीक्यूजर जो सिलेंडर है साडा LPG दा चारों साइड पर सानू कवर कर देना, इस तरीके उन्होंने लपेट देना बिच, जिवें साडा सिलेंडर लगा लो LPG दा, सानू इहनू कवर कर लेना, ये की होगी यदि ऑक्सीजन पावर सप्लाई कट हो जाएगी जिसके कारण साड़ी फायर बुझेगी। इस करके सानू इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए ने, और साडे एक्सटीक्यूजर ने यह भी असं घर रख सकते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है हर किसी घर के मेनली गवर्नमेंट को भी अपना इंडस्ट्रीज, होटल, होम्स के घट्टो घट्ट एक लोगों को अवेयरनैस दे सके भी तुम्हें फायर सेफ्टी का जरूरी है,